सदगुरु कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मर रही है और वो है सॉइल। क्या बकवास है, सॉइल कैसे मर सकती है? सॉइल जिंदा थोड़ी है। बेशक सॉइल जिंदा होती है क्योंकि बस एक मुट्ठी सॉइल में 8 से 10 बिलियन जीव होते हैं। ये एक फैक्ट है। यानी पूरी दुनिया के ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा जीवन सिर्फ एक मुट्ठी सॉइल में, और इसी जीवन की वजह से हम गेहूं, चावल, फल, सब्जी सब उगाते हैं। और यही जीवन, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब खत्म हो रहे हैं। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए हमने सदगुरु से बात की, उनसे पूछा कि सेव सॉइल से हमें क्या फर्क पड़ता है। एवरी रेस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट इज पॉइंटिंग आउट द यूएन एजेंसीज हैव क्लियरली स्टेटेड वी हैव ओनली 60 टू 80 हार्वेस्ट लेफ्ट इन द प्लैनेट। दैट मींस समवेयर बिटवीन 45 टू 50 या 55 ईयर्स। आफ्टर दैट वी डोंट हैव द एबिलिटी टू ग्रो फूड ऑन द लैंड बिकॉज़ देयर इज नो न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। 27,000 स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट पर ईयर। इफ इट गोज एट दिस रेट इन अबाउट 30 टू 40 ईयर्स वी विल रीच अ पॉइंट वेयर वी कैन नॉट ग्रो फूड, एंड इफ यू ट्राई टू रीजनरेट द सॉइल एट दैट टाइम इट विल टेक 150 टू 200 ईयर्स। दैट मींस डेथ। सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। डिड यू नो सिर्फ 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनने के लिए 1,000 साल तक लग सकते हैं और उसे खोने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही काफी है। जोरों की बारिश जहां मिट्टी को पकड़े रखने के लिए पेड़ ना हो सॉइल डिस्ट्रॉय कर देती है। पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, केमिकल्स, रीजन एक नहीं कई सारे हैं। हम खुद चाहकर भी सॉइल नहीं बना सकते। ये प्रोसेस नेचुरल है और इसमें टाइम लगता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम सॉइल को जिस स्पीड से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस स्पीड से वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर वेयर देयर इज नो ऑर्गेनिक इनपुट इनटू द सॉइल, द प्लांट कैन नॉट गेट द न्यूट्रिएंट्स दैट इट वांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, बिकॉज दोज माइक्रोब्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। सॉइल इज नॉट डेड मटेरियल वेयर यू कैन थ्रो सम नाइट्रोजन, फास्फोरस, समथिंग एंड मेक इट हैपन। इट्स अ लिविंग एंटिटी। इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी होगी, वहां भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट किया है जहां हम एज ह्यूमंस इस मिट्टी को इतना डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं कि कौन छोड़कर कुछ भी उगा ही नहीं पाते। यूएन कहता है कि हम हर 5 सेकंड्स में एक फुटबॉल के मैदान जितनी सॉइल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मिंग, एक हद से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल, पॉल्यूशन, वन बाय वन हम उसी चीज को मार रहे हैं जो हमें जीने का मौका देते। पहले के जमाने में हम क्रॉप रोटेशन करते थे जिससे सॉइल को रिकवर होने का मौका मिलता था, क्योंकि किसान स्मार्टली अपने क्रॉप सिलेक्ट करते थे, ऐसी क्रॉप्स की जोड़ी बनाते थे जो सेम न्यूट्रिएंट्स यूज ना करते हो, सो दैट द सॉइल डजंट गेट डिप्लीटेड एट द सेम टाइम, ताकि सॉइल को भी एक ब्रेक मिले, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होने का मौका मिले। लेकिन अब मोनोक्रॉपिंग होती है और प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए सॉइल की बलि चढ़ती है। 2050 तक दुनिया का पॉपुलेशन 9 बिलियन तक पहुंचने वाला है। हमें आज से 1.5 गुना ज्यादा खाना लगने वाला है, लेकिन हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही। आने वाले बस 25 सालों में दुनिया में 30% कम खाना होने वाला है, यानी हर 10 में से 3 लोगों को भूखा सोना पड़ेगा, और इसीलिए हमें सॉइल को बचाने की जरूरत है। बट टुडे इफ वी अटेम्प्ट दिस नाउ इफ वी टेक द नेसेसरी एक्शन by enshrining soil regeneration and ecological regeneration as a part of our national policies across the world, in 10 to 15 or maximum 20 years time we can make a significant turnaround. Soil duniya ka sabse bada recycling plant hai jo duniya ke organic waste ko black gold mein badalta hai, usse khad banata hai. Soil duniya ka sabse bada carbon reserve hai, yani global warming rokne ke liye soil bahut important hai. Healthy soil pani pakde rehta hai, flooding hone se bachata hai. Soil greedy nahi hai, use jitna pani lagta hai wo उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है और बाकी का पानी ग्राउंड वाटर बन जाता है जो आने वाली जनरेशन के लिए एक वाटर बैंक बन जाता है। सॉइल एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। सो आई एम 65 इयर्स ऑफ एज एंड नाउ आई एम राइडिंग 30,000 किलोमीटर्स फ्रॉम लंदन टू कावेरी बेसिन। You know, 30,000 kilometers is not a joyride, but I'm doing this because I want people to understand it's that urgent. लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? इस सफर में सदगुरु दुनिया के उन तमाम important leaders से मिलेंगे और उन्हें soil का importance समझाएंगे ताकि policy level पर changes आ सकें। People are saying, oh, why should you do this? I'm saying, why would you not do it? I'm asking. तो सदगुरु आपसे क्या चाहते हैं? कि आप soil के बारे में बात करें, #SaveSoil के साथ soil के बारे में एक fact share करें। From March 21st for 100 days. Everybody should talk about soil for 100 days. If you do that, we will aggregate these numbers in the social media platforms and come to a place where if 3 to 4 billion people have spoken about soil, no government is going to ignore it, because in a democratic nation, the only currency that flies is numbers. सदगुरु मानते हैं कि environmental issues election issues बनने चाहिए। वही सरकारें चुनकर आनी चाहिए जो हमारा भविष्य सुरक्षित रखने का वादा करें और उसे निभाएं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारी और सदगुरु की मदद कीजिए।
जब तक हम दुनिया की सरकार से डिमांड नहीं करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक एनवायरनमेंट को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।